हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश का माइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट 2024 का जो परीक्षा का पैटर्न है वो बदल गया है। ज़्यादा बदलाव इसमें नहीं है, ये थोड़ा सा बदलाव है, उसे आपको घबराने की कोई दिक्कत है। आप अपने जो तैयारी कर रहे हैं उसको तैयारी करते रहिए, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक हम हैं तब तक आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं। चलिए अब हम अपने आगे बढ़ते हैं। परीक्षा पद्धति, एग्जामिनेशन पैटर्न, इसमें क्या दिया है? स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा पद्धति यूपी कैडेट 2024 के द्वारा उत्तर प्रदेश के पाँच कौन कौन से विश्वविद्यालय आ गए? पहला चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, दूसरा आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या फैजाबाद, तीसरा आपका है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ, चौथा बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा, और पांचवा कौन सा विश्वविद्यालय है ये आपके यूपी कैडेट एग्जामिनेशन की तरफ से हो सकता है पूछा जाए। पांचवा यूनिवर्सिटी है जिसका अभी शिलान्यास हुआ है 10 मार्च को, जहाँ पर आपके माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा के कर कमलों से हुआ है, जहाँ पर हम भी गए थे, घर पर हम भी थे तो चले गए थे। ठीक है, हमने भी जा करके देखा, लेकिन अभी वहाँ पर पूरा संपूर्ण रूप से बना नहीं है। अभी ये मान के चलिए 2 साल बाद ही वहाँ प्रशिक्षण संस्थान का कार्यक्रम चालू हो सकता है, उसके पहले नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये पांचवा अपने दिमाग से और दिल से निकाल दीजिएगा, अभी निकाल दीजिए। बाकी आप चाहे जो भी कहिए, जिसको भी हमने अपने आंखों से देखा है, जब वहाँ पर नई कार्यक्रम चल रहा है, अभी बस शिलान्यास हुआ है, तो इस कारणवश इसी बेस पर हम आपको कहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ चारों के ही चक्कर में रहें, चार का आप एक के चक्कर में रहें सीएसए यूनिवर्सिटी बस। तो इसमें देखिए, विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु 12/6/2024, यहाँ पर देखिए गलत लिखा हुआ है। इसके पहले इन्होंने न्यूज़पेपर के माध्यम से दिया है कि 6 जून और 7 जून को हम पेपर कराएंगे। 6 जून को यूजी का होगा, 7 जून को पीजी और पीएचडी और एबीएम का होगा। ठीक है, ये आप गलत है। आयोजित की जाएगी प्रवेश परीक्षा की कालावधि 3 घंटे होंगे, कुल 3 घंटे की परीक्षा होगी। अब यहाँ पर देखिए, कुल अंक 800, पहले जो पेपर होता था ये आपका 600 अंक का होता था, अब ये 800 अंक का हो गया है। क्वेश्चन उतना ही रहेंगे, 200 ऑब्जेक्टिव के रूप में, और ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थी प्रवेश इच्छुक पाठ्यक्रम और शैक्षणिक अर्हता के अनुसार 4 ग्रुप, आप पेपर में से किसी एक ग्रुप आप पेपर को सुनिश्चित करके चयन कर सकते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है सीधे हमारी बाजू कि अगर आप इंटर में एग्रीकल्चर से हैं, इंटर में आप बायोलॉजी से हैं, तो आप पीसीबी ग्रुप चूज करेंगे। अगर आप इंटर में मैथमेटिक्स से हैं तो पीसीएम ही चूज करेंगे। इंटर में एग्रीकल्चर से हैं तो पीएचडी चूज करेंगे। इंटर में होम साइंस से हैं तो आप पीएचएस चूज करेंगे। कोड या ऑटोमेटिक आपका आता जाएगा जब फॉर्म भरेंगे तो। ठीक है, अगर ये पीसीबी वाला चाहे पीएचडी वाला चूज कर ले, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। 2 स्टूडेंट हमें कमेंट किए थे कि सर मैं पीसीबी से हूँ, आपने जैसा कि बताया पीएचडी का पेपर बहुत सरल आएगा, मैं उसको पढ़ के निकालूंगा। हमने कहा भैया आपका नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि आपने इंटर में जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए नहीं भर सकते। एक स्टूडेंट ने पीसीएम का भी बोला था कि सर जी ऐसा होगा, हमने कहा नहीं भैया नहीं हो सकता। ठीक है, ये गाइडलाइन के खिलाफ है, आपका एडमिशन होल्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखिए दिल दुखाने वाली बात, नॉट सब्सक्राइब्ड। देखिए वास्ट टाइम हावर सिंस पब्लिश, ये वीडियो पब्लिक होने के उपरांत 82% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे इस चैनल को, और इसमें केवल व केवल 18% लोगों ने सब्सक्राइब किया है। यह रेशियो देखिए कितना, इससे अगर बढ़ती है जब सब्सक्राइब करता है कोई भी अभ्यर्थी या आप छोटे भाई करते हैं, तो एक हमें अंदर से एक मोटिवेशन जागृत होती है, जिससे आप की एक सब्सक्राइब से हमारे जो मोटिवेशन जागृत होती है, तो हम भी सोचते हैं कि लाओ नए नए जो भी अपडेट्स आ रहे हैं यूपी कैडेट से रिलेटेड, तो हम अपने छोटे भाइयों को पहुँचाएँ अवश्य। तो इसके लिए सब्सक्राइब कर दिया करिए। इतना का रेशियो कम से कम 50-50 का होता तो चलिए ठीक है, लेकिन अब 50 से भी एबव जा रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। चलिए, और आप सभी लोगों के लिए इंटर में एग्रीकल्चर पीएजी और एमएससीएजी, इनके लिए हमारे पास 10 साल पुराना पेपर है, ओरिजिनल पीडीएफ है, 130 प्लस क्वेश्चन है प्रत्येक पीडीएफ में, और पीएजी के लिए 9 प्रैक्टिस सेट है जिसको सेल्फ आंसर करना है 24x7, हम आपके साथ तैयार हैं। कब? ये रेशियो पर नहीं तैयार होंगे हम, 24x7 नहीं हम रेशियो तैयार होंगे। ठीक है, तभी आप लोग कहते हैं कि सर आपका फ़ोन बंद था, इसीलिए बंद रहता है। ये जब इस ये वाला रेशियो जब हम देखेंगे तो ये क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरठ विश्वविद्यालय का जो मॉडल पेपर है
उसी के बेस पे ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। ये मोबाइल नंबर है, जिनको भी आवश्यकता होगी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब अपने आते हैं मुद्दे पर। यूपी कैटेट 2024 परीक्षा के दौरान प्रश्नातक के कुल 800 अंक, इनका भी 600 का था, अब बढ़ करके 800 हो गया। इसमें इवैल्यूएशन करने में भी आसानी होगी, कुल प्रश्न उतना ही रहेंगे 200। लेकिन एबीएम की बात करेंगे तो एबीएम का जो पेपर होगा 2 घंटे में होगा, 100 क्वेश्चन होंगे 400 अंक का, ठीक है, 400 अंकों का होगा, ठीक। अब इसमें एबीएम या एमबीए, इनका पेपर और इनका पेपर, एक चीज़ क्लियर कर देते हैं। एक स्टूडेंट, किसी छात्रा ने हमें पूछा था व्हाट्सएप पे कि सर हम इस दोनों को भर सकते हैं, तो जी बिल्कुल भर सकते हैं। इसका फीस और इसका फीस दोनों अलग अलग कटेगा आपके कैटेगरी के अनुसार, चाहे 1350 हो चाहे 1100 हो, दोनों की फीस अलग अलग कटेगी, ठीक है, एक साथ नहीं कट सकती। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप दोनों भरते हैं तो एक कंडीशन आप हमारी सुनिए, अगर आप दोनों फॉर्म भरते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप भरिए कोई दिक्कत नहीं, बट एक ही शहर चूज करेंगे जो एग्जाम सिटी सेंटर, जैसे आपने कानपुर चूज किया तो दोनों कानपुर ही चूज करिए, अगर लखनऊ चूज किया दोनों यहीं पर लखनऊ ही चूज करिए, अगर वाराणसी चूज किया दोनों वाराणसी ही चूज करिए। मतलब कहने का सेंस ये है कि एक ही शहर अगर चूज करेंगे तो आप ये वाला एमएजी का पेपर मॉर्निंग में होता है, मॉर्निंग शिफ्ट में, और इसका एबीएम का पेपर 2 बजे से होता है शाम को, ठीक है, 9 से 12 इसका होगा और 2 बजे से इसका प्रारंभ होगा। तो आप एक शहर में रहेगा तो आप आराम से 2 घंटे में वहां तक पहुंच सकते हैं, 2 घंटे का मान के चलिए 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा, तो 1.5 घंटे में आप इसको कवर कर सकते हैं। या फिर हो सकता है आपका एक सेंटर एक ही स्कूल में डाल दें, जहाँ पर आपका एमएससी का है वहीं एबीएम का भी हो जाए, तो इसके लिए आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी के लिए 200 क्वेश्चन, ये क्लियर हो गई, फीस अलग अलग कटेगी, एक शहर चूज करना है, अलग अलग चूज करेंगे, एक लखनऊ चूज कर दिए एक वाराणसी चूज कर दिए, तो 2 घंटे कैसे कवर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इसलिए चलिए ठीक है। अब आगे पीएचडी की तरफ बढ़ते हैं, तो पीएचडी में जाएंगे आप, यहाँ पर देखिए पीएचडी का जो पेपर होगा 400 अंक का होगा, 100 क्वेश्चन का होगा ऑब्जेक्टिव। पीएचडी में 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन आपके डोमेन सब्जेक्ट से आते हैं, डोमेन सब्जेक्ट से आते हैं, 20 क्वेश्चन आपका स्टेट से आएगा, स्टेटिस्टिक्स से आएगा, और 20 क्वेश्चन आपका जीके, जो सब में आता है एबीएम को छोड़ करके, ठीक है। चलिए बाकी अपना कोड यहाँ पर देख लीजिएगा, और इसको हमने क्लियर कर दिया। निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है तो 1/4 का निगेटिव मार्किंग होगा, यानी 0.25 का। आगे बढ़िए, यहाँ पर आइए, मूल्यांकन इवेल्युएशन आपका क्या होगा। इवेल्युएशन यहाँ पर देखिए, सभी परीक्षाओं का मूल्यांकन ऋणात्मक का जो निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, 4 अंक आपको सही उत्तर पर मिलेंगे, गलत उत्तर पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। मतलब जैसे कहने का तात्पर्य है कि आपने 2 क्वेश्चन किया, 1 क्वेश्चन आपका सही हो गया, दूसरा क्वेश्चन आपका गलत हो गया, दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो गलत हो गया, तो आपको 1 का तो 4 नंबर मिला, ठीक, और 4 में से आपका 1 नंबर माइनस हो गया तो आपका बचा 3 नंबर। अब सोचेंगे कि सर अब हम तो 200 मार देंगे, अब नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। निगेटिव मार्किंग के अगर 1 क्वेश्चन गलत होता है पीएचडी में तो कम से कम 5-6 रैंक डाउन होती है, और एमएससी में 50+ रैंक डाउन होती है, और बाकी यूजी में जो बात करेंगे तो यूजी में 200-250 खा ले जाएंगे अगर 1 क्वेश्चन गलत होता है, तो इसके लिए आप ये दिमाग से निकाल देंगे, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से निकाल दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कट ऑफ की बात करते हैं। न्यूनतम कट ऑफ जो होती है ओबीसी और जनरल की, तो न्यूनतम 10% अगर आपने नंबर पाया है, 10% मार्क पाया है यूपी कैटेट एग्जामिनेशन में, और एससी एसटी 5% अगर पाए हैं, तो ये आप काउंसलिंग के लिए दावेदारी हैं। सीट तो मिलेगी या नहीं मिलेगी उसकी बात अलग है, लेकिन काउंसलिंग आप करा सकते हैं, चाहे पेट एनआरआई कोई भी सीट अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, या फ्री हो सकता है आपको मिल जाए। परीक्षा का परिणाम ये सब बाद में होगा, लेकिन एबीएम पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए आपको न्यूनतम कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, और कट ऑफ के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित विश्वविद्यालय से, मतलब जो आप कट ऑफ क्लियर करेंगे 100 क्वेश्चन वाला, तो आपको ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपको 150 अंक का पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन 150 नंबर का, और 50 नंबर का आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, पीआई होगा, ठीक है, और उसके बाद जब फाइनल आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है।
तो अब जो भी आपके कमेंट्स हों आप पिन ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।